व्हाट्सएप इन्वेस्टर्स, वेलकम टू टुडेज वीडियो। दोस्तों, जेएनके इंडिया अपना आईपीओ लेकर आ रही है, जिसके आईपीओ में आप 23 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। और इस आईपीओ के जरिए जेएनके इंडिया 650 करोड़ रुपीज जुटाने जा रही है। जेएनके इंडिया के आईपीओ से जुड़ी जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, जो इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले हमें जानना जरूरी है, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। जैसे कि जेएनके इंडिया क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल्स, कॉम्पिटिटर्स, इस आईपीओ से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स और लेटेस्ट बे मार्केट प्रीमियम के बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद इस आईपीओ और इस कंपनी से जुड़े सारे पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स के बारे में भी हम बात करेंगे। एंड फाइनली मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या इस आईपीओ में मैं अप्लाई करने वाला हूं, ये इस आईपीओ को मैं अवॉइड करने वाला हूं, और अगर हम इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो केवल लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करना चाहिए या फिर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए भी इस कंपनी में पैसा लगाया जा सकता है। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए अब इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम जेएनके इंडिया के बारे में जान लेते हैं। सो जेएनके इंडिया लिमिटेड 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और ये कंपनी डिजाइन, मैन्युफैक्चर, सप्लाई, इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग करती है प्रोसेस फायर्ड हीटर्स, रिफॉर्मर्स एंड क्रैकिंग फर्नेसेस की। कंपनी के इंडिया में 17 एंड ओवरसीज 7 क्लाइंट्स हैं। इनके कुछ मेजर इंडियन क्लाइंट्स हैं जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। अब आइए इस आईपीओ जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो 23 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल के बीच में इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की डेट जो है वो 26 अप्रैल है, एंड 30 अप्रैल को इस आईपीओ की लिस्टिंग हो सकती है। कंपनी ने जो आईपीओ का प्राइस बैंड सेट किया है वो है 395 टू 415 रुपीज पर शेयर का। 36 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट होने वाला है। इसका इशू साइज है 650 करोड़ का, जिसमें से 300 करोड़ रुपीज जो है वो फ्रेश इशू है और 350 करोड़ रुपीज ऑफर फॉर सेल है। अगर रिजर्वेशन की बात करें तो QIB के लिए मैक्सिमम 50%, रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम 35% एंड HNI के लिए 15% का रिजर्वेशन यहां पर रखा गया है। तो क्योंकि यहां पर रिटेल पोर्शन में 35% का कोटा रखा गया है, तो रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, एंड स्मॉल HNI कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस थोड़े से कम हैं। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड 1 लॉट की जो प्राइस है वो है 14,940 रुपीस की, एंड 13 लॉट की प्राइस होगी 1,94,220 रुपीस की। स्मॉल HNI मिनिमम 14 एंड मैक्सिमम 66 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड बिग HNI को मिनिमम 67 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा। अब आइए कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी जल्दी से देख लेते हैं। तो अभी हमारे पास 2021 से लेकर सितंबर 2023 तक का फाइनेंशियल डेटा है, और अगर टोटल एसेट्स को देखते हैं, इनके रेवेन्यू को देखते हैं एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखते हैं, तो तीनों में ही कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को हमें मिल रही है। 2022 के मुकाबले 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 38.5% एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 28.84% से इंक्रीज हुआ है। नेटवर्थ, रिजर्व एंड सरप्लस साल दर साल इंक्रीज हुए हैं। साथ में कंपनी की बोरिंग भी बढ़ी है। फिर भी अगर कंपैरेटिवली देखते हैं तो कंपनी पर डेट बहुत ज़्यादा नहीं है और ये डेट मैनेजेबल है। अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो जेएनके इंडिया की मार्केट कैप है 2,308 करोड़ की। पोस्ट आईपीओ का जो पी है वो 37.46 होगा, एंड अर्निंग पर शेयर 11.08 रुपीज़ है। रिटर्न ऑन इक्विटी 31.79% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 34.73% है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो 31.79% है। सो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो 30% से ऊपर है, जो कि फिनोमिनल नंबर्स हैं। जनरली 15% के आसपास होते हैं तो वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। कंपनी पर जैसा कि हमने बात की, डेट ज़्यादा नहीं है, तो डेट टू इक्विटी 0.34 है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो मार्जिन है वो 18.24 है, जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। अगर हम ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू की बात करें तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए कंपनी आईपीओ को लेकर आ रही है। अब बात कर लेते हैं जेएनके इंडिया के कॉम्पिटिटर्स की। तो थर्मैक्स इंडिया लिमिटेड एंड बीएचईएल इसकी मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं, और अगर इनके कॉम्पिटिटर्स से इसको कंपेयर करते हैं तो इसका पी जो है वो सबसे कम है, विच इज़ गुड, एंड रिटर्न ऑन नेटवर्क दोनों ही कॉम्पिटिटर्स से ज़्यादा है। तो अपने कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती नज़र आ रही है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर बात करें तो ग्रे मार्केट में इस आईपीओ को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है। जो भी लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम होगी वो मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आपको मिल जाएगी। उसको ज्वाइन करने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास या आपकी फैमिली में किसी के पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां से जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए। तो उसको जानने के लिए कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं,
दोनों को हम चेक कर लेते हैं। अगर हम पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो हीटिंग इक्विपमेंट सेगमेंट में ये कंपनी एक नीच प्लेयर है। इसके अलावा टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन में भी कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ दी हुई है। इसके फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं और कंपनी पर डेट भी ज्यादा नहीं है। एज ऑफ December 31, 2023 कंपनी का ऑर्डर ऑन हैंड है 845 crores के। इसके अलावा बेस्ड ऑन एनालाइज्ड फाइनेंशियल ईयर 24 अर्निंग कंपनी का जो IPO है वो रीजनेबली प्राइस लगता है। अब बात करें अगर नेगेटिव पॉइंट्स की तो बहुत ज्यादा बड़े नेगेटिव पॉइंट जो मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। तो पहला पॉइंट, मुझे ऐसा लगता है कि ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल्स एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पर JNK इंडिया ओवरली डिपेंडेंट है और अगर वहाँ से इनको ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं तो इनके रेवेन्यू में बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये केवल एक प्रोडक्ट पर ओवरली डिपेंडेंट है जो कि हीटिंग इक्विपमेंट्स हैं। अगर वहाँ पर डिमांड की कमी आती है तो उसका भी एडवर्स इम्पैक्ट पूरी कंपनी पर पड़ेगा। इसके अलावा लॉज एंड रेगुलेशंस एंड ऑपरेशन जो इश्यूज हैं वो इस कंपनी के मेजर रिस्क हैं। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स देखने के बाद क्या इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या इस IPO को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी अनसर्टेन है और वॉलिटिलिटी अभी मार्केट में ज़्यादा है तो लिस्टिंग इन का आइडिया लगवा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है ये कंपनी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में, लेट्स से 6 to 8 months में काफ़ी अच्छा कर सकती है, क्योंकि कंपनी की फाइनेंशियल्स अच्छे हैं और फेयर वैल्यू पर कंपनी IPO को लेकर आई है। तो इस IPO में मुझे लगता है ज़रूर अप्लाई करना चाहिए और इसको शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है, इसीलिए मैं इस IPO में अप्लाई करूंगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है और ये कोई डायरेक्ट आपको रिकमेंडेशन नहीं है। आप इस IPO में अगर अप्लाई करते हैं तो खुद रिसर्च कीजिए और उसके बाद ही अप्लाई करने का डिसीजन लीजिए। बाकी इस IPO की लेटेस्ट डे मार्केट प्रीमियम के लिए आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना और अगर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपका क्या ओपिनियन है इस IPO को लेकर वो भी कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।